नमस्ते गाइस, क्या हाल है। सो आज मैं आपको एक ऐसे वीडियो में लेके आया हूँ जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे व्यू दिखेंगे और हम लखनऊ वालों को काफ़ी बेसब्री से इस मेला का इंतज़ार रहता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको लेकर के आया हूँ एक मेला में जो कि लखनऊ में स्मृति पार्क में लगा हुआ है। कुछ लोग गैस कर पाए होंगे कि हम कहाँ पर हैं, तो बताने से पहले ये देखिए। लखनऊ महोत्सव, जी हाँ दोस्तों, लखनऊ महोत्सव लग चुका है जो कि आज जो डेट है 30 नवंबर है और ये चलने वाला है 14 दिसंबर तक। ये जो है काफ़ी 15 दिन तक चलेगा, उसके बाद देखेंगे कि क्या ये बढ़ता है या नहीं। और बाकी सारी चीज़ें किस दिन कौन सी शो होने वाली है और यहाँ पे एंट्री रेट क्या है, एंट्री का जो प्राइस रखा गया वो क्या है, प्लस जो है यहाँ पे झूले का क्या रेट है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको कवर करके मैं दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो पे आप बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, एक पल भी जाने जाना हमसे दूर नहीं जाना। प्यार प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, उसे हंसना भी होगा, उसे रोना भी होगा, उसे पाना भी होगा, उसे खोना भी होगा। सुबह शाम तन्हाई में ये आप देख रहे हैं, ये है गेट से आते ही, ये रहा गेट। गेट से एंट्री जैसे लेंगे आपको यहाँ पर काउंटर भी दिया गया, इधर ही जस्ट इस साइड में, राइट साइड में भी है और यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड में भी है टिकट काउंटर। और यहाँ के टिकट का जो रेट है, जो टिकट का इधर जो है, भाई रेट क्या है टिकट का? कुछ नहीं पता, 40 हो गया। अरे और आज तो फ्री है ना। अच्छा, तो आज का जो है 30 तारीख है, 30 नवंबर और फर्स्ट डे, इसके वजह से जो है आज फ्री है। जिसको भी आज आना है वो फ्री में आराम से आ सकता है। और जो है यहाँ पे टिकट जो है 30 रुपये से 40 रुपये भी आपको देखने को मिल जाएगा। सो ये देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे अभी काम चल रहा है। अभी आज जो है 30 तारीख हो गया है, आज शाम से, मतलब ये समझ लीजिए कि आज से शुरू हो चुका है। और अभी जो है कुछ चीज़ें जो है झूले वगैरह जो है फिनिशिंग कर रहे हैं। और इस बार भारत हस्तशिल्प महोत्सव का जो थीम रखा गया है वो आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम थीम रखा गया है। ये काफ़ी अच्छा थीम है, इससे जो है हमारे देश को प्रेरित मिलेगी, इससे हमें आगे बढ़ने की और प्रोत्साहन मिलेगा। ये है भूत गुफा, देख सकते हैं ये लिखा हुआ इधर जो है भूत गुफा। कितना है ये भूत जो गुफा है, इसका कितना रुपए लगना है टिकट का? अभी इसका पता नहीं है। और इसका क्या है, इसका क्या है, इसका कितना किराया लगना है? मतलब अभी मतलब डिसाइड नहीं हुआ है, भाई ने डिसाइड नहीं करा कितना। अच्छा, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। हाँ, ये कुछ भूत गुफा है। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको आज दिखलाऊंगा यहाँ की टिकटें कितने की हैं और जो यहाँ पे जो है ये झूले हैं ये कितने के। ये है मेरे पीछे जो है ये भूत गुफा है, इसका जो रेट है 50 से 100 रुपये लमसम ये रखा गया है। प्लस जो है बड़ी वाली जो है झूले हैं, जो कि ये आप इधर जो है देख रहे होंगे, धूप की वजह से नहीं दिख रहा है, जो है बड़ी वाली जो झूले हैं वो 150 से 200 की हैं। और आपको गेट का एंट्री जो है, एंट्री कितने का होना है वो चीज़ मैं आपको वहीं पर गेट पर बताऊँगा। तो पहले और भी चीज़ें अंदर देख लेते हैं, तो चलिए और देखते हैं। और जिनको यहाँ का जो पता है, अगर नहीं मालूम है, तो मैं बता दूं कि ये जो मेला लगा हुआ है, भारत हस्तशिल्प महोत्सव जो लगा हुआ है, काशीराम स्मृति उपवन में लगा हुआ है जो कि आसियाना में पड़ता है, बंगला बाज़ार के पास में। तो यहाँ पर जो है आप ऐसे आराम से आ सकते हैं। और आपको मैंने बता दिया कि टिकट कितना लगना है, तो 30 से 40 रुपये लगेगा। और मैं अब आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो है
आपका जो प्रतियोगिता भी होगा जो कि सिंगिंग का है, डांस का है, मॉडलिंग का है, रंगोली का भी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं चीज़ों की जो है प्रतियोगिता यहाँ पे किए जाएंगे। और इधर जो है जो ट्रस्ट के जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है एनबी सिंह, वो उन्होंने उनके जो है सपोर्ट के उनके देख रेख में जो है यहाँ पे जो है जो चल नहीं पाएंगे, जो अपने पैरों से ज़्यादा दूर तक मेला पूरा घूम नहीं पाएंगे, उनके लिए भी फैसिलिटी रखी गई है जो कि आप जो है ऊँट की सवारी कर सकते हैं, घोड़ों की सवारी कर सकते हैं। तो और जो है यहाँ पे पुलिस कर्मियों की भी काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया गया है। क्या है भैया, अच्छा ये कप वगैरह मग है और अच्छा सही में इंग्लैंड से ही आया है भैया, वैसी बना रहे न्यूज़ एक रही है बना रही है तो खुर्जा से खुर्जा का। हाँ अभी सही बता रहे हो, कैसे हैं ये सब, कैसे दे रहे हो ये 70 रुपीज का एक जी पर पीस, अवन माइक्रोवेव से काफी कलेक्शन में मिलेगा, कलर मिलेंगे काफी, ये सेम साइज का 70 का जी। अच्छा वो क्या है डलिया है, ये कितने का है 150 का, अरे बढ़िया ये बढ़िया, ये जो भाई ने हाथ में रखा है ये ठीक है, ये कितने का है ये वाला, ये 250 का है, हाँ ये वाला कितने का 350 का। तो गाइस यहाँ पे आपका स्टॉल कौन सा है, ये स्टॉल है जहाँ यहीं पर ओपन। अच्छा और क्या नाम है भाई, मेरा जुनैद, जुनैद। अच्छा चलिए यहाँ पे स्टॉल है, यहाँ पर आप सभी आकर के जो है यहाँ पे खरीद सकते हैं, और कल से ओपनिंग हो जा रही है तो आ सकते हैं। और प्राइस में अभी ये जैसे बता रहे हैं उसमें आपको रिलैक्सेशन भी देंगे, ये आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है, क्यों भाई सही बोल रहे हो कि नहीं, व्यवहार पर डिस्काउंट का भी सुविधा है, डिस्काउंट कैसे किस बेसिस पे, जैसे किस बेसिस पे, अच्छा 1000 पे 20% का तोड़ दिए। सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं, तू चले भी जो घर से निकल के कहीं तो रास्ते में खुद को बिछा दूंगा मैं, खुदा हाँ।
चेहरा जिस पे हम मरते हैं, ये ना जाने कैसे कितना प्यार करते हैं। यहाँ पे कौन आने वाले भैया? कोई गेस्ट आने वाले हैं क्या? ये स्वामी मधुसूदन सिंगारी तो नहीं है, ये तो है। प्रधान पुजारी है ये, ये पुजारी हैं। और कोई मंत्री जी आने वाले हैं? मंत्री जी के बाबा ही आएंगे या कोई और? सो गाइस, इस मेले में अपने और अपनों का स्वयं ख्याल रखें, और अपने जो बाइक्स हैं या आपके पास में जो भी वाहन है उसको आप सही जगह पार्क करें, और आपसे कोई भी बदतमीजी करता है तो आप पुलिस के पास शिकायत जो है दर्ज कराएं। सो गाइज, यहाँ पे जो है शाम को प्रोग्राम होने वाला है, और एक बात बताना चाहता हूँ आपको, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था लखनऊ महोत्सव, तो उसके लिए सॉरी, ये जो है लखनऊ महोत्सव नहीं है, भारत हस्तशिल्प महोत्सव। मैं यही बोलना चाहूँगा, जिसको भी महोत्सव का जो है अगर पूरा इंजॉय करना है तो वो जो है 2-3 दिन बाद आए, क्योंकि जो है अभी पूरी तैयारी नहीं हुई है, अभी 1-2 दिन जो है लग जाएगी, इसलिए आप संडे को आइए, संडे के बाद आइए, काफ़ी बढ़िया रहेगा। और यहाँ पर जो है मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम होने वाले हैं, शाम को उद्घाटन होने वाला है, कोई यहाँ पर मंत्री भी आने वाले हैं और पंडित भी आने वाले हैं। तो ये था आज की जो है भारत उत्सव यानी भारत महोत्सव, भारत हस्तशिल्प महोत्सव करके है, तो ये था। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताओ, और अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना दोस्तों, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज़, और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या लगे, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।